नाज़रीन खबरों में आगे बढ़ने से कबल आप तमाम से दिली गुजारिश की जाती है कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर कर ले ताकि हमारी हर लेटेस्ट वो ब्रेकिंग न्यूज आप तमाम को बराबर मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिदा बेगम, मैं अंबरपेट की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गया, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं 2 साल पहले मेरे शाहरुख से फेसबुक पर मुलाकात हुई थी। शाहरुख दिल्ली के रहने वाले हैं। 2 साल से हम दोनों का रिलेशनशिप था। वो मुझसे शादी करेंगे ऐसा बोल के 2 साल से मेरे साथ थे और उसके बाद वो मेरे से शादी करने के लिए मना करके यहाँ से चले गए। मैंने 10 अक्टूबर को अंबरपेट PS में कंप्लेंट की थी। सार लोग उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे लेकिन उनका कुछ पता नहीं है। अंबरपेट PS में 10 अक्टूबर को कंप्लेंट की थी मैंने अंबरपेट PS में। जी शाहरुख की कोई फोटो? क्या चाह रहे हैं अभी? जैसा ये मेरी ज़िंदगी के साथ करे, किसी और लड़की के साथ ऐसा नहीं करना। इसलिए मैं ये वीडियो बनाने की वजह यही है मेरी के जैसा ये मेरी ज़िंदगी के साथ खेले, किसी और लड़की के साथ ऐसा नहीं करना। आपके शोहर के साथ रह रहे हैं अभी? नहीं, मैं मेरी फैमिली के साथ रह रही हूँ अभी। मेरी फैमिली के साथ नहीं रह रही हूँ मैं मेरे रिलेटिव्स के पास रह रही हूँ अभी। मेरे हस्बैंड भी मेरे को रखने के लिए मना कर रहे हैं अभी। कितने बच्चे हैं आपको? मेरे को 2 बच्चे हैं। कितने लड़के कितने लड़की? एक लड़की एक लड़का। शाहरुख से मुलाकात कैसे हुई? शाहरुख से फेसबुक पर मुलाकात हुई थी मेरी 2 साल पहले। शाहरुख की मसरूफियत क्या थी, क्या करता था हैदराबाद? शाहरुख हैदराबाद में हेयर सलून पर जॉब करते थे जी। अभी 2 साल में आपसे शादी के वादे किए थे? जी 2 साल वो मेरे से शादी करेंगे बोल के और कुछ और वादे किए थे उन्होंने, इसलिए मैं उनके जाल में फंस गई। अब उसके बाद वो बोल रहे कि शादी करने से मना कर रहे वो, और अब यहाँ से वो चले गए। उनके फैमिली वाले भी हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अंबरपेट पुलिस कार्रवाई करी? अभी अंबरपेट अभी सर पुलिस लोग कार्रवाई कर रहे लेकिन अभी उनका कुछ पता नहीं चल रहा, ऐसा बोल रहे कि जब उनका पता चलेगा हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। अभी हम लोग दिल्ली गए थे, सारे लोग हमको दिल्ली लेके गए थे। अभी उनका वहाँ पर भी कुछ पता नहीं है बोल रहे, उनके घर वाले उनके फैमिली वाले भी हम लोग कुछ पता नहीं है, हम लोग को जब पता चलेगा हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे ऐसा बोल रहे। क्या उम्र है शाहरुख की? 25। 28। जी 2 साल छोटे थे? 3 साल। आपको शोहर से डाइवोर्स लेके शादी करने का वादा किया था? जी डाइवोर्स लेके शादी करेंगे बल्कि 2 इयर्स पहले ही बोले थे वो। अभी इसके लिए मेरे फैमिली को पता चलने की वजह से वो यहाँ से चले गए। तो कब, कितने दिन पहले का चाहिए? कब गए शाहरुख यहाँ से? 3 मंथ्स हो रहा शाहरुख, सितंबर 7 को चले गए वो यहाँ से। आखिरी बार क्या बात हुई थी आपकी और उनकी? नहीं, मेरे फैमिली वालों को पता चल गया, मेरे मम्मी को पता चल गया, आके बात करने के लिए बोले। अभी वो नमाज के बाद आने के लिए बोले थे, उसके बाद उनका फ़ोन एकदम से स्विच ऑफ हो गया। उनके फैमिली वालों से कनेक्ट हुए तो वो बोल रहे कि नहीं वो दिल्ली चले गए। आपका गुजारा कैसा हो रहा है अगर आप रिलेटिव्स के पास रह रहे हैं? मैं जॉब कर रही हूँ भैया, ड्राई फ्रूट्स पैकिंग की जॉब कर रही हूँ। जैसा मैं इसकी जाल में फंस गई, ऐसा कोई और लड़की ऐसा फेसबुक और मोबाइल के ज़रिए किसी और के साथ ये ऐसा ना करे फिर। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का वजह यही है कि कोई और इनकी बातों में आके ऐसा अपनी लाइफ ख़राब ना करे। अभी आपके 2 बच्चे आपने बताया, तो वो कहाँ पर है, आपके साथ रह रहे हैं? नहीं, मेरे साथ ही रह रहे वो 2 बच्चे। तो फिर अभी आप मतलब यही गुजारा आपका जो आप काम कर रहे हैं उसी से चल रहा है? जी हाँ। आपको कोई फैमिली सपोर्ट, भाई वगैरह? नहीं है, मेरे कोई भी फैमिली सपोर्ट नहीं है मेरा। मेरे नहीं, मेरे भाई भी नहीं है और मेरे फादर भी नहीं है। ओनली माई मदर, मेरे खाली मेरे मम्मी है, वो भी जॉब करते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए दौर हाजिर की तमाम जरूरतों को तहफ्फुज फराहम करते हैं AM टेक्नोलॉजी सेल्स एंड सर्विस। अब करेगी
आपकी तिजारत, बिजनेस, अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स, हाउसेस, होटल्स मैनेजमेंट या हॉस्पिटल के अलावा तमाम सोसाइटीज, दुकानात, मकानात की सेफ्टी और सिक्योरिटी सिस्टम नस्ब करते हुए इसको सिक्योर बनाया जाएगा। इसके अलावा एएम टेक्नोलॉजी सेल्स एंड सर्विस सीसीटीवी कैमरा का इंस्टॉलेशन और उसका मेंटेनेंस के लिए हमसे रब्त पैदा कीजिए। मजीद तफसीलात के लिए मिस्टर सैयद समीर, जिनका फोन नंबर है 8686362575, आप इनसे मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा कर सकते हैं। तो याद रखिए, एएम टेक्नोलॉजी सेल्स एंड सर्विसेज हैदराबाद।